But now it was also still I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. But of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. Through the window, I saw my classmates already in their places and Mr. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. ना नरेटर अब बताती हैं कि जब वो जा रहा था तो उन्होंने देखा, यूजुअली जो है स्कूल जब शुरू होता था तो यहाँ बहुत बजल होता था, ग्रेट बजल होता है, हड़बड़ी होना, शोर शराबा होना, विच कुड बी हर्ड फ्रॉम द स्ट्रीट, की स्कूल दूर से ही सुनाई दे जाता था, गली के बाहर से ही जब स्कूल शुरू होता था तो बच्चों के बोलने की आवाज़ और सारा हजल बजल सब पता लगता था ओपनिंग टाइम में एंड क्लोजिंग ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ डेस्क, बच्चों के डेस्क खोलने की, लेसन्स की रिपीट करने की, यूनिजन की बातें जो उसको रिपीट करते हैं, बोलते हैं लेसन्स को, एंड वेरी लाउड विद अ हैंड ओवर आर ईयर टू अंडरस्टैंड बेटर, और फिर अपने कानों में हाथ लगा के ताकि ध्यान से सुने उसको, सब ऊँचे ऊँचे पढ़ते थे उसे. And the teacher's great ruler rapping on the table, teachers जब टेबल पर रैप करते थे, बच्चे जब शोर मचाते थे तो उसको ज़ोर ज़ोर से अपने रूलर को बजाते थे. But now it was also still, लेकिन आज इतनी शांति क्यों है. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. अब नरेटर ने जैसे तैसे अपनी हिम्मत जुटाकर अपने डेस्क में चुपके से बैठ गए कि किसी ने उसे देखा ना हो. बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट, लेकिन आज इतनी शांति थी जैसे कोई संडे मॉर्निंग हो. थ्रू द विंडो, उन्होंने विंडो से देखा कि क्लासमेट्स ऑलरेडी अपने प्लेसेस में बैठे हैं, मिस्टर हैमल ऊपर नीचे जा रहे हैं टेरिबल आयरन अपने हाथ के नीचे दबाकर, एंड नाउ ही हैड टू ओपन द डोर, गो इन बिफोर एवरीबडी. अब उन्हें डोर खोलना था और सबके सामने आना था. यू कैन इमेजिन हाउ ब्लश्ड ही वॉज एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज. अब उस दिन वो बहुत ज़्यादा शर्मा, बहुत ज़्यादा घबरा हुआ था और नरेटर, और उनके चेहरे पे इतना ब्लश था, घबराहट थी. बट नथिंग हैपन्ड. एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू. लेकिन आज सर को क्या हुआ, सर ने कुछ कहा ही नहीं. वेरी काइंडली उन्होंने सिर्फ यही कहा, गो टू योर प्लेस, कि अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ प्यारे फ्रेंड्स, हम तो तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे चैप्टर. आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क. नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, his frilled shirt and the little black silk cap all embroidered that he never wore except on the inspection and the prizes day. Beside, the whole school seemed so strange and solemn, but the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the school, the village people sitting quietly like ourselves, old Hauser with his three-corner hat, the former mayor, the former postmaster, several other besides. Everybody looked sad. Hauser had brought an old primer thumbed at the edges. He held it open on his knees with his great spectacle lying across the pages. Now we see that he jumped to his seat back at the desk. Not till then. Now narrator, he got a little over his fright. अब थोड़ा सा जब वो अपने घबराहट को उसने कंट्रोल किया तो उसने देखा कि उनकी टीचर बहुत सुंदर कोट में है, आज ग्रीन कोट पहना हुआ है और उनकी फ्रिल शर्ट पहनी हुई है, लिटिल ब्लैक कैप भी पहनी हुई है सर पर, सिल्की कैप एंड एम्ब्रॉयड्री वाला है जिसमें उन्होंने कभी एक्सपेक्ट कभी नहीं पहनते थे, सिर्फ एक्सेप्ट वो इंस्पेक्शन के दिन में पहनते थे या फिर कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वाले डेज में पहनते थे. बिसाइड्स अ होल स्कूल, अब सारे स्कूल को छोड़ के ऐसा लग रहा था सब कुछ ये बहुत स्ट्रेंज लग रहा था.
बट द थिंग डैट सरप्राइज वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस. सबसे सरप्राइजिंग बात क्या थी कि बैक बेंचेस पर कौन बैठे हुए थे? विलेज के पीपल बैठे हुए थे. क्वाइटली ओल्ड हॉजर बैठे हुए थे, थ्री कॉर्नर्ड हैट पहनकर. फॉर्मर मेयर वहाँ बैठे हुए थे, फॉर्मर पोस्ट मास्टर बैठे हुए थे, सेवरल अदर. बिसाइड्स एवरीबडी लुक्ड सैड. सबके सब बहुत ज़्यादा दुखी लग रहे थे. हॉजर ने सोचा, हॉजर तो अपने साथ अपना प्राइमर होती है स्लेट, तो उसको भी लेके आए हुए थे जिसके एजेस जो है टूटे फूटे से हैं. एंड थम एट द एज मीन्स उसके किनारे थम्बिंग में टूटे फूटे टूटे तोड़े मोड़े मरोड़े हुए हैं. सो ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स. और उसने अपने स्पेक्टिकल्स को अब कहाँ रखा? उन पेजेस के ऊपर रख दिया. व्हाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल एम हैमल माउंटेड हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी सेड माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू. द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अलसेस एंड लॉरेन. द न्यू मास्टर कम्स टुमारो. दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव. नाउ व्हाइल ही वॉज वंडरिंग, अब नरेटर अभी इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहे थे कि एम हैमल, उन्होंने अपनी चेयर को थोड़ा ऊँचा उठाया. And in the same grave, gentle tone, and in the same tone, he told, "My children, you all, just it is my last lesson that I am delivering you, because from the Alsace and Lorraine, the orders has come that in the schools now no other language should be taught except German. So as he is a French teacher, so this is last lesson of Mr. Hamel. So he wanted everyone to be very attentive in the class. What a thunderclap these words were to me. Now what is thunderclap? That is बिजली कड़कना. उनके ऊपर ऐसे लगा जैसे थंडर क्लैप हो गया है. अब फ्रेंड्स को ऐसे लगा जैसे उसके ऊपर बिजली गिर पड़ी है जब उसने ये वर्ड सुना कि ये सर का लास्ट लेसन है. Oh, the wretches that was that what they had put up at the town hall. So now, oh wretches, this was means he was feeling very sad that ye kya ho gaya achanak se that had put up at the town hall. Ki achanak se hamare town mein hamare upar ye kya aafat aa padi hai. My last French lesson. Why? Ab French apne aap se poochta hai ki ye hamara aaj last French lesson hai. Why? क्यों? I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there. Then, oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the Saar. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry. My grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. And M. Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. So, narrator, now friends, that little boy felt very sorry, very sad for this, that this is his last lesson. अभी तो मुझे इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है, एक शब्द भी नहीं आता है. I must stop there. मुझे तो कुछ मुझे ही करना पड़ेगा. Stop there and then. मुझे तो बस यहीं पर रुक जाना चाहिए. Means he wanted to do something, but nothing can be done. Oh, sorry I was for not learning. Now he felt very sorry, very sad for not learning द लेसन्स इन द क्लास. कि जब सर पढ़ाते थे मैं तो बिल्कुल भी नहीं सुनता था. वो उसका ध्यान क्या होता था? बर्ड्स के छोटे छोटे एग्स देखता था जब इधर उधर बाहर खिड़की से बाहर, या फिर गोइंग स्लाइडिंग ऑन दी सार. सार इज द रीज़न ऑफ जर्मनी, मीन्स बाहर बच्चे जो कहाँ वहाँ पर स्लाइड कर रहे हैं इधर उधर. माई बुक्स दैट हैड सीम सच अ न्यूसेंस अ वाइल अगो. वो बुक्स जो उसको एक आफत लगती, न्यूसेंस होता है आफत लगना, ट्रबल समथिंग. सो वो जो चीज़ उसे एक आफत लगती थी, सो हैवी टू कैरी,
माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स एंड हिज ग्रामर हिज हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स व ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप। अब ये सब चीज़ें उसको अब बहुत अच्छी लगने लगी अचानक ही। ही कुडंट गिव अप, वो अब गिव अप करना इन सब को छोड़ना नहीं चाहता था। एंड एम हैमल टू, और अपने टीचर को भी, अचानक से वो टीचर जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आते थे आज अचानक से इतने अच्छे लगने लगे। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, सिर्फ ये सोच के ही कि सर का आज लास्ट डे है, सर जा रहे हैं, ही फेल्ट वेरी सैड वेरी बैड फॉर हिम एंड आई शुड नेवर सी हिम अगेन मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। और ये सोच के कि सर का आज ही लास्ट लेक्चर है और फिर मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊँगा, उसने वो सारी बातें भुला दी जो सर ने मुझे क्लास में इतना इतनी पिटाई की थी रूलर से। और ही वॉज़ वेरी क्रैंकी, क्रैंकी मीन्स वेरी स्ट्रेंज, हम जैसे कहते हैं सन की, बहुत कभी कभी स्ट्रेंज हरकतें करते थे सर, ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। सो दिस ऑल मेड हिम वेरी सैड एंड ही थॉट दैट हिज सर वॉज़ वेरी क्रैंकी।